मुंबई में आयोजित कांग्रेस के सद्भावना दिवस कार्यक्रम में जब उद्धव ठाकरे शिरकत करने पहुंचे तो उनके सम्मान में खड़गे समेत पार्टी के सभी नेता खड़े हुए, नारेबाजी हुई और फिर उद्धव ठाकरे के गले में कांग्रेस का ही गमछा डाल दिया। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे तो राजीव गांधी की जयंती पर उनकी खूब तारीफ भी की। अनेकदा काय होतं की माणसं कळायला काही वेळ जावा लागतो। राजीवजी कसे होते जरा कळायला वेळ लागला, तसं आताची लोक कशी आहेत हे कळायला थोडा वेळ लागला, पण माणसं कळल्यानंतर आपण सुधारलं पाहिजे। आज जेव्हा मला कळलं की हे आमचा दुरुपयोग करून आम्हालाच लाथा घालायला लागले, म्हणजे जो फरक आहे राजीवजी आणि आत्तांच्या मरे की आम्ही विरोधात होतो तरी देखील आमच्याशी कधी राजीवजी सूड भावनेने वागले नाही, हे मी स्पष्टपणाने मोकळेपणाने सांगतो। उद्धव ठाकरे का यह बयान बताता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हरियाणा चलिए जहां कांग्रेस के भीतर ही दो खेमे वोटिंग से पहले दिखाई देने लगे हैं। एक खेमा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा सांसद कुमारी शैलजा का, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। फाइनल फैसला हाई कमांड का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। हजारों नाम तो कई जगह से आ रहे हैं, हाई कमांड देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहां से लड़े। चुनाव लड़ना वैसे तो नेताओं का काम है, लेकिन जब कोई नेता दो महीने पहले सांसद बना हो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहे तो इसके मायने अहम हो जाते हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के भीतर चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। हुड्डा हो या कुमारी शैलजा, दोनों दबी आवाज में दावेदारी ठोक रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर ही नहीं, चुनाव जीतने से पहले ही डिप्टी सीएम बनने का सपना भी कई नेताओं को दिन में दिखाई देने लगा है। इसी लिस्ट में एक नाम है रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव का, जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं और लालू यादव के दामाद। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैंने उस बात को कहा और मैं ये कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है। हरियाणा में कांग्रेस लगातार दो विधानसभा चुनाव हार चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के हौसले आसमान पर हैं, लेकिन नतीजों से पहले ही जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो पार्टी को नई मुसीबत में डाल सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.